गणेश का वंदन करके कथा कहूँ बुधवार की। देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। श्री गणेश का वंदन करके कथा कहूँ बुधवार की। देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। श्री गणेश का वंदन करके कथा कहूँ बुधवार की। देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। कथा सुनाओ गौरा सुत की गणपति अष्ट विनायक की। दयानिधि मंगल मूर्ति की सुनो कथा सुखदायक की। दो बुद्धि है बुद्धि दाता कथा का मैं श्री गणेश करूं। धर के ध्यान चरण कमलों में वर्णन कथा विशेष करूं। वर्णन कथा विशेष करूं। कथा करो प्रारंभ गजानन और चतुर इकनार की। देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। बात बड़ी प्राचीन है भक्तों तुमको आज सुनाता हूँ। एक गांव में सास बहू की सच्ची बात बताता हूँ। सास थी बूढ़ी बहू थी भूखड़ बहू बहुत ही खाती थी। इसी बात से सास बहू की पटरी कभी न खाती थी। पटरी कभी न खाती थी। सुनो कहानी ध्यान से भक्तों बुढ़िया के परिवार की। देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। रोज बुढ़िया के घर में पूजा का आयोजन था। पूजा पाठ और भंडारे का उसके घर प्रायोजन था। सास ने सोचा बहू हमारी चूकेगी ना खाने से। पूजा की सामग्री को ना माने हाथ लगाने से। ना माने हाथ लगाने से। रोकूंगी जो खाने से तो बात बढ़े तकरार की। देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। कैसे छूटे पिंड भूख खड़ से मन ही मन में सोचती है। करके छेद मटकिया नीचे पानी भरने भेजती है। बोली सास बहू से अपनी जंगल वाले कुएं पे जा। आएंगे मेहमान बहुत से जल्दी पानी भर के ला। जल्दी पानी भर के ला। बहू भी कम चालाक नहीं थी बेटी थी होशियार की। देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। चाल समझ गई बहू सास की भेज रही क्यों पानी को। पल भर में ही समझ गई
बुढ़िया की गढ़ी कहानी को। प्यार से बोली बहू सास से, मटकी लेके जाती हूँ, आप बनाओ भंडारा, मैं पानी लेकर आती हूँ, चालाकी दिखलाता हूँ। अब भक्त उस गुलनार की, देव के नायक अष्ट विनायक, धन वैभव दातार की। सास की चोरी बहू चटोरी, बांध पोटली आटे की, मटकी लेके चली चकोरी, बांध पोटली आटे की। मटकी के तलवे में छेद था, छेद किया था सासू ने, फूटी मटकी पानी लेने, भेज दिया था सासू ने, भेज दिया था सासू ने। मन ही मन जलती थी बुढ़िया, भूख देख उस नार की, देव के नायक अष्ट विनायक, धन वैभव दातार की। मटकी लेके कुएं पे पहुंची बहु नवेली बुढ़िया की, पास में था शमशान और थी बहु अकेली बुढ़िया की। जंगल से पतेला करके उस पे आटा गूंद रही, जलती चिता में टिककर सेकू, मन ही मन वो सोच रही, मन ही मन वो सोच रही। लकड़ी जलती लेके आई चिता से वो अंगार की, देव के नायक अष्ट विनायक, धन वैभव दातार की। मोटे मोटे दो टिक्कर वो हाथ से अपने बनाती है, दोनों टिक्कर लेके फिर गणपति के मंदिर जाती है। देसी घी का जल रहा दीपक श्री गणेश के मंदिर में, टिक्कर पे घी चुपड़ रही थी श्री गणेश के मंदिर में, श्री गणेश के मंदिर में। देख रहे थे गणपति बाबा चतुराई उस नार की, देव के नायक अष्ट विनायक, धन वैभव दातार की। एक टिकर का भोग लगाया, टिकर खुद खाती है, गणपति बप्पा देख रहे वो नार बैठ मुस्काती है। टिकर खा के मटकी उठा के घर को चली वो मटक मटक, फूटी मटकी उस औरत ने, बीच राह में दिया पटक, बीच राह में दिया पटक। अब आगे की सुनो कहानी गणपति जी करतार की, देव के नायक अष्ट विनायक, धन वैभव दातार की। क्रोध में आके गणपति जी ने उंगली चढ़ा ली नाक पे, पत्थर की प्रतिमा ने देखो उंगली चढ़ा ली नाक पे। भक्त एक आया मंदिर में, उसने जब ऐसा देखा
गाँव में सबको बतलाता है जैसे का तैसा देखा, जैसे का तैसा देखा। बात फैल गई गाँव में सारे चतुरानन सरकार की, देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। सभी लोग हैरानी में थे ये कैसे हो सकता है, जो भी देखता वही ये कहता ये कैसे हो सकता है। खबर फैल गई गांव में सारे गणपति श्री गणेश की, परिवर्तित हो गई मूर्ति, बात ये बड़ी विशेष थी। मिली सूचना जब राजा को वक्रतुंड सरकार की, देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। सोच सोच किसी अनहोनी की चिंतित हुए नगरवासी, राजा रानी शोक में डूबे शोकित हुए दास दासी। दानर यज्ञ हवन भंडारे महाराज करवाते हैं, वेद मंत्र का पाठ रात दिन मंदिर में करवाते हैं, मंदिर में करवाते हैं। उंगली हटी न नाक से फिर भी श्री गणपति सरकार की, देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। नगर नगर और गांव गांव में बात पहुंच गई घर घर में, गणपति की पाषाण मूर्ति स्वतः बदल गई मंदिर में। वेद शास्त्री पंडित ज्योतिष करके जतन सब हार गए, यंत्र मंत्र और पूजा पाठ सब उन सब के बेकार गए, उन सब के बेकार गए। समझ न आई बात किसी के ऐसे चमत्कार की, देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। नगर मुनादी पिटवा के फिर राजा ने ऐलान किया, जो भी मूर्ति करेगा पांच गांव उसे दान किया। सुनी खबर जब पांच गांव की बहु खुशी से उछल पड़ी, बोली जाके सास से अपनी, सासू अपनी निकल पड़ी, सासू अपनी निकल पड़ी। बुढ़िया को कुछ समझ न आई बातें भुखड़ नार की, देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। बोली बहु सुनो सासू माँ, ऐसा मंत्र मैं जानती हूँ, फूक मार कर सीधी मूर्ति ऐसा मंत्र मैं जानती हूँ। पांच गांव मिल जाएंगे हमको सासू जी इनाम में, कर विश्वास मेरा सासू मैं माहिर हूँ इस काम में, मैं माहिर हूँ इस काम में। कुछ ना
सोचो सासू माँ बस राह धरो दरबार की। देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। बुढ़िया बोली चुप कर पगली तू हमको मरवाएगी। पांच गांव के लालच में तू शूली पे चढ़वाएगी। वेद शास्त्री साधु योगी नाक रगड़ के हार गए। हटी न फिर भी नाक से उंगली हवन यज्ञ बेकार गए। हवन यज्ञ बेकार गए। जाके झाड़ू मार बहू ना बातें कर बेकार की। देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। कहा बहू ने सास से फिर से झूठ नहीं मैं कहती हूँ। गणपति जी की उंगली सासू मैं सीधी कर सकती हूँ। इसी बात पे सास बहू में बहुत बड़ी तकरार हुई। अटल बहू थी बात पे अपने सास बहू से हार गई। सास बहू से हार गई। सास बहू दोनों मिलकर फिर राह धरी दरबार की। देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। सास बहु दोनों फिर देखो पहुंच गई दरबार में। राजा संग मंत्री मंडल सब डूबा शोक विचार में। हाथ जोड़ के बुढ़िया बोली विनय पूर्वक राजा से। बहू ने जो भी कहा था उससे विनय पूर्वक राजा से। विनय पूर्वक राजा से। सुन के डूब गए हैरत में बातें बुढ़िया नार की। देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। राजा बोला उसकी बहू से होता नहीं विश्वास मुझे। साधु योगी शास्त्री सबने किया निराश मुझे। सबने हार मान ली अपनी उंगली हटी ना गणपति की। जप तप सब बेकार हो गया उंगली हटी ना गणपति की। उंगली हटी ना गणपति की। फिर भी बात मान लेता हूँ मैं इस तरुणी नार की। देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। अगर हटा दी उंगली तूने गणपति जी की नाक से। पांच गांव इनाम में तुझको देता हूँ मैं आज से। हाथ जोड़ कर तरुणी बोली धीरे से महाराज से। एक विनय करती हूँ राजन विनय पूर्वक आपसे। विनय पूर्वक आपसे। मेरे घर से मंदिर तक है मुझे जरूरत आड़ की।
देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। राजा का आदेश हो गया बहू के घर से मंदिर तक, कपड़ों का पर्दा करवाया बहू के घर से मंदिर तक। बाहर से कोई देख न पाए, कदम कदम पर पहरा था, उस औरत की बात का असर राजा पर कुछ गहरा था। राजा पर कुछ गहरा था। उसके घर से उस मंदिर तक गुफा एक तैयार की, देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। घर से निकली नार नवेली चली अकेली पर्दे में, कपड़े धोने वाली मुंगरी छुपा चली वो पर्दे में। चारों तरफ थे राजा के सैनिक नार नवेली पर्दे में, मंदिर में आ गई अकेली वो अलबेली पर्दे में। वो अलबेली पर्दे में। अब आगे की सुनो कहानी भक्तों उस गुलनार की, देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। मुंगरी लेके नार वो बोली फिर गणपति भगवान से, कान खोल के सुन लो बाबा बात हमारी ध्यान से। थोड़ा सा घी लिया था मैंने टिक्कर में चुपड़ाने को, खुद टिक्कर खाने से पहले तुम्हें दिया था खाने को। गणपति बापा सहम गए सुन बातें उस खूंखार की, देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। थोड़े से घी के बदले में टिक्कर मैंने दिया तुम्हें, उंगली हटा लो नाक से अपने मैंने समझा दिया तुम्हें। वरना मुंगरी देख रहे हो कपड़े जैसे धो दूंगी, जैसे डुबोया टिक्कर घी में वैसे तुम्हें मैं डुबो दूंगी। करके कल्पना कांप गए गणपति मुंगरी के मार की, देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। गणपति को धमकाए रही रख के हाथ कमर के ऊपर, वो आंखें मटकाए रही। सीधे सीधे हाथ हटा लो बाबा अपनी नाक से, वरना मुंगरी देख लो मेरी कहती हूँ मैं आपसे। हालत पतली हो गई देखो मोदक प्रिय करतार की, देव के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की।
माता के नाक से अपनी पहले से बन जाते हैं। उस भक्तिन का प्रेम देख के मंद मंद मुस्काते हैं। राजा को मंदिर में बुला के औरत वो दिखलाती है। उंगली हट गई नाक से देखो वो सबको बतलाती है, गणपति बापा संग औरत की। सबने जय जयकार की, देवों के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की। राजा संग प्रजा ने मिलके औरत को प्रणाम किया। राजा ने बुढ़िया की बहू को पांच गांव इनाम दिया। गणपति बप्पा के मंदिर में जय जयकार हो रही है। सुनो अविनाश कहे मंदिर में बारंबार हो रही है, कथा लिखी सुखदेव ने भक्तों सबके ही उद्धार की। देवों के नायक अष्ट विनायक धन वैभव दातार की, देवों के नायक।